बहुत दिनों के बाद मॉल जा रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ आज तो अच्छे से शॉपिंग करेंगे। सही कहा। हाँ और फिर तू पे करेगी। तो ज्यादा मत बोल समझी ना, पे तू करेगी। हाँ ढूंढने मैं अपने घर का पता जाने क्यों। सॉरी मूड से तू शॉपिंग मॉल के काम वाली भाई है क्या? हाँ देखने से तो वैसी ही लग रही है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जाने क्यों। अरे गवार कहीं के कान में कम सुनती है क्या? कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। सुन ले वो खुदा। वही तो, शर्म नहीं आते क्या ऐसे कपड़े पहन के घूमने में? पूरा मॉल का शो खराब कर दिया। आज कोई दुआ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई दुआ करो मेरे लिए। ओ ले 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 ले, बाप रे बाप, देखो काम वाली को गुस्सा आ रहा है। कोई दुआ करो मेरे लिए कि आज इस रात की कोई सुबह करो, कोई सुबह करो मेरे लिए। अबे ओए, इधर भी थोड़ा सा गंदा है, चल साफ कर दे। तो अबे ओए, क्या कम सुनाई देता है क्या? चल साफ कर। हमने बोला यहाँ पे गंदा है, इसे साफ कर दे और निकल यहाँ से। तू नहीं भूला। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? तो नहीं। अबे ओए, अब तो हमें सिखाएगी कि कैसे बात करना है। तू सही। हाँ अगर सिखाना पड़े तो जरूर सिखाऊंगी। मुझे चाहे सजा दे। तेरी जुबान तो छुरी से भी ज्यादा चलती है। ले लगा। हाँ तो के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए। देखियो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। कोई दुआ करो मेरे लिए। अरे अरे क्या कर लेगी बता ना, तू खुद को देख और हमें देख। आजकल के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, तू जैसे गवार टाइप नहीं। मैं आप लोग से किसी भी चीज में कम नहीं हूँ। अच्छा तो उतार ये साड़ी और मेरी तरह कपड़े पहन के दिखा। सारा जग घूमे। हाउ डेयर यू। मैं अपने घर का पता। तेरी इतनी मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोगों के सामने इस गवार औरत ने मुझे थप्पड़ मारा और तुम लोग बस तमाशा देख रहे हो। माफ मिल जाए। अरे विपाशा छोड़ ना और चल यहाँ से। चुप करो, तुम सब एक नंबर का फट्टू हो और तुझे तो मैं अब भी देखती हूँ। हेलो हेलो भैया। हाँ बहन बोलो। भैया मैं शॉपिंग मॉल के बाहर हूँ, अब जल्दी आ जाओ। लेकिन क्या हुआ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, एक भिखारी ने मुझे आज थप्पड़ मारा, इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तू रुक मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। तो रुक, इसका भैया पुलिस में है, तुझे एक मिनट में जेल में डाल देगा, अब तो तू जेल में सड़ेगी। अच्छा मेरा गुनाह क्या है बताना जरा? जिसके लिए तुम मुझे जेल भेजोगे, इसने मेरा पल्लू छीना और उसके डिफेंस में मैंने थप्पड़ मार दिया, उसके लिए तुम मुझे जेल भेजोगे? चुप कर, तेरा कानून का ज्ञान मुझे मत दे। और हाँ तेरी अकड़ तो मैं अभी निकालती, और यहाँ पे जो हुआ है वो बस तुझे और हमें पता है, पुलिस को तो नहीं पता। पुलिस तो वही बिलीव करेगी जो मैं और मेरा भाई बोलेगा। काबिल बना दे मुझे चाहे सजा दे। सही कहा इसने, और तुझे पता है इसने और इसके भाई ने ऐसा बहुत बार किया है। और हाँ मेरे साथ जो भी पंगा लेते हैं ना उसको हम अंदर डाल लेते हैं। कौन है बहन वो, कौन है? भैया इस भिखारी ने मुझे थप्पड़ मारा, अब इसे जेल में डाल दो। कौन है तू? मैम जैन। भैया अब ये क्या कर रहे हो, इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? चुप, इन्हें गवार मत बोलो, ये एक IPS ऑफिसर है और इनका ट्रांसफर आज ही हमारे शहर में हुआ है। सारा जग घूमया मैं, सारे रास्ते ढूंढ। और तू इनसे बदतमीजी कर रही है? क्यों आप भी मुझे जेल में डालोगे? भूलया मैं। तो फिर आप डस्टबिन के साथ क्यों घूम रही थी? क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोच में बहुत फर्क है। माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए। जैन मैम वेलकम टू आवर स्टेट।
सॉरी मैम, मैं अभी स्टाफ को बोल के साफ कराता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब नए शहर में आई हूँ तो अच्छे काम से शुरुआत करती हूँ। अपना हूँ गहराओं में मैं शामिल तो नहीं, भूला हूँ मैं हाँ भूला पर खोया तो नहीं, रास्ता दिखा दे। ऐसे इंसान हो तुम लोग, किसी का रंग रूप उसका कपड़ा पहनने का ढंग से तुम उसे जज करते हो। तुम सब हमारी संस्कृति के ट्रेडिशनल कपड़े का मजाक उड़ाते हो। मुझे तो तुम्हारे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? तुम लोगों से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, मुझे अपना देश का संस्कृति का पालन करना अच्छे से आता है, पर तुम सब होते कौन हो मुझे जज करने वाले? मैम इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मैम। तुम तो कुछ ही ना बोलो वही बेहतर रहेगा। तुम्हें ये वर्दी दी गई है देश की रक्षा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। रात की कोई सुबह करो, कोई सुबह करो मेरे लिए। तुम्हारी बहन ने तुम्हें कॉल किया और तुम ड्यूटी छोड़कर यहाँ भागे चले आए मुझे जेल में डालने के लिए? वो मैम वो क्या, जस्ट शट अप, आई एम सस्पेंडिंग यू राइट नाउ। और तुम सब देखते जाओ। जाने क्यों भूले मैम, मैम मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ मैम माफ कर दीजिए उसे। शट अप मैम प्लीज। आईपीएस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी चली गई। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। तो, गलती मेरी थी जो तुम्हें इतना सर पर चढ़ा कर रखा था। बचपन में ही थप्पड़ लगाया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुआ करो, कोई दुआ करो, कोई दुआ करो।